अच्छा बच्चों आज हम बोन हाइबर साइकिल ड्रॉ करते हैं फॉर दी एल्यूमिनियम ऑक्साइड ठीक है तो हेडिंग दें बोन है फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री बेटा एक बात तो जहन में रखो कि जितने भी बोन हाइबर साइकिल्स आप ड्रॉ करते हो ये आयोनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं दूसरी बात ये जो बोन हैबेर साइकिल है दिस इज दी, दिस दी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मतलब ये आपको जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे जो एक्सोथर्मिक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज हो रही है और यहाँ पर साइड पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देते हो जो आपको ये बता रहा है कि ये आपका अपवर्ड एंडोथर्मिक है ठीक है अब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की है साइकिल ड्रॉ करनी है डेटा बेटा उसने दिया हुआ है आपको मैं यहां पर आपको बता देता हूं देखो डेटा ना इस फॉर्म में उसने दिया है कि ये एल्यूमिनियम आप लोग ऐसे बताते जाएंगे ये कौन सी एनर्जी चेंज है एल्यूमिनियम सॉलिड से ना बच्चों एल्यूमिनियम गैस बन रहा है एल्यूमिनियम सॉलिड से एल्यूमिनियम गैस ठीक है अच्छा फिर एल्यूमिनियम गैस से बच्चों एल्यूमिनियम वन प्लस गैस बन रहा है फिर एल्यूमिनियम प्लस गैस से प्लस प्लस और फिर इससे तो बच्चों ये आपका पहला वाला तो हो गया ना एटमाइजेशन क्योंकि देखो एल्यूमिनियम सॉलिड स्टेट में था वो गैशियस फॉर्म में गया आपने इसके सारे मेटेलिक बॉन्ड ब्रेक किए दूसरा देखो क्या हो गया आपका फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ना एल वन प्लस से टू प्लस सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम टू प्लस से थ्री प्लस थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है बच्चों तो ये आपकी वैल्यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एटमाइजेशन है प्लस थ्री ट्वेंटी सिक्स किलो जूल्स पर बेटा हर एक के साथ किलो किलोजूल्स पर मोल है यार जगह नहीं है लेकिन हर एक के साथ किलो किलोजूल्स पर मोल आपने लिखना है अच्छा बेटा अब एल्यूमिनियम से जो पहला इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करना है ना उसको रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी है फाइव सेवन सेवन दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी है डेफिनेटली ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी क्योंकि अब मोर न्यूक्लियर पुल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स तो एटीन ट्वेंटी प्लस वन किलो किलोजूल्स पर मोल बेटा अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी टू फोर सेवन जीरो टू फोर सेवन जीरो ठीक है फॉर अच्छा अब ऑक्सीजन के लिए भी डाटा लिख लो आपको एक बात मैं फिर बता देता हूं पिछली क्लास में भी बताई थी कि जब भी किसी सब्सटेंस में से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हो या किसी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन गेन करवाना हो तो वो जो सब्सटेंस होगा ना उसको आपने पहले गैसीयस एटम में कन्वर्ट करना है और इन शॉर्ट उसकी पहले एटोमाइजेशन करवानी है मतलब अगर आयोनाइजेशन करनी है इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है पहले एटोमाइजेशन करो भाई गैसीयस एटम में लेके जाओ ये तो ये देखो ना बेटा यहां पर कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से पहले Al1+ से पहले गैसीयस एटम का होना मस्ट है इसी तरीके से अगर आपने बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो उसके लिए भी एटमाइजेशन इज मस्ट तो अब ऑक्सीजन के लिए कुछ वैल्यूज लिख लो ऑक्सीजन के लिए जो वैल्यूज हैं वो देखो ओ से ओ टू है ना मोलिकुलर फॉर्म में ना बच्चों तो इससे ओ गैस एटमाइजेशन एटमाइजेशन है क्योंकि गैशियस एटम इज फॉर्मड प्लस टू फोर्टी नाइन किलो जूल्स पर मोल जब एन हो जाएगी ना बेटा अब आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड इसकी वैल्यू है माइनस वन फोर्टी वन जूल्स पर मोल फिर बेटा ओ वन माइनस ओ वन माइनस से ओ टू माइनस में आपने जब जाना है तो इसमें क्या होगा प्लस सेवन नाइनटी एट सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस सेवन नाइनटी एट किलोजूल ठीक है जी. अब बेटा आपने ये आपके पास ना डेटा है अच्छा फॉर्मेशन भी गिवन है आपने लैटिस निकालनी है ठीक है फॉर्मेशन भी गिवन है भाई मैं यहां साइड पर लिख देता हूं डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड इज इज माइनस वन सिक्स सेवन सिक्स किलो पर मोल अब बच्चों आप लोगों ने परम ऑक्साइड की फाइंड आउट करनी है और और बोन हाइपरसाइकिल ड्रॉ करें क्या टेक्निक बताई थी सुनो भाई वैल्यूज तो हम बाद में पुट कर लेंगे ना टेक्निक क्या थी ये सुन लो टेक्निक बेटा ये थी टेक्निक बेटा ये थी कि आपने अपना आयोनिक कंपाउंड सबसे नीचे लिखना है जी सबसे नीचे क्या होगा आपका आयोनिक कंपाउंड ये Al2O3 सॉलिड ठीक है फिर बेटा आपको ये सिखाया था कि जब भी आपने बोन हाइबर साइकिल ड्रॉ करनी है तो ये जो आपका आयोनिक कंपाउंड होगा ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेटा ये जो आयोनिक कंपाउंड है इस आयोनिक कंपाउंड को बनाने के लिए दो रूट्स एक आप इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनाएंगे फ्रॉम इट्स एलिमेंट

एल्यूमिनियम मेटल होता है, है. है तो टू को किससे मल्टीप्लाई करें थ्री आ जाता है टू को आप मल्टीप्लाई करेंट फाइव से ठीक है ना तो थ्री बाई टू ये आ गया आपके पास ये बेटा आपका फॉर्मेशन दिस इज एक्सोथ आ रहा हूँ अब डेल्टा एच नॉट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों माइनस वन सिक्स सेवन सिक्स किलो जूल पर मोल ठीक है ये है फॉर्मेशन एलिमेंट से एलिमेंट से जब आप बनाते हैं ना एक मोल कंपाउंड इज दिस फॉर्मेशन बेटा दूसरा तरीका ये है कि आप इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड को बनाए फ्रॉम इट्स गैशियस आयन गैशियस आयन से बेटा जब बनाओगे देखो ये भी आपने पढ़ा हुआ है

कि ये जो आपका एल्यूमिनियम सॉलिड है ना ये इसको आपने एल्यूमिनियम गैशियस आइन में कन्वर्ट करना है दो काम करने हैं पहले तो सॉलिड से गैस स्टेट चेंज होगी फिर बेटा आपने इसके इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो पहले बेटा इसकी एटमाइजेशन कर लो एटमाइजेशन क्या होता है भाई एटमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक ये आपके सामने है बेटा इसमें बॉन्ड्स ब्रेक करने होते हैं ना जो एल्यूम जो एल्यूमिनियम आपका एलिमेंट है इस एलिमेंट के अंदर मेटेलिक बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करोगे तो गैशियस एटम बनेगा तो लिहाजा आप यहाँ पर एटमाइजेशन करोगे और आपके पास ये टू मोल ऑफ एल्यूमिनियम गैस बनेगा तो देखो टाइम एग्जामिनर ने इसको खुद लिख देता है और कहता है आप सिर्फ लेबल करो कि ये कौन सी इंथाल चेंज है तो याद रखना अगर सॉलिड से गैस की तरफ जा रहे होगे तो ये एटमाइजेशन होगी सॉलिड से गैस दिस इज एटमाइजेशन अब आप अगर अपने डाटा में देखो ना तो यहाँ पर एक मोल अगर एक मोल गैशियस एटम फॉर्म होता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट तो इसके लिए कितनी एनर्जी देनी होगी भाई 326 ट्वेंटी एक मोल एल्यूमिनियम इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट तो 326 बच्चों अगर दो मोल अगर दो मोल आप बना रहे हो तो क्या करोगे टाइम्स टू कर दोगे इस वैल्यू को तो आपने इस वैल्यू को थ्री ट्वेंटी सिक्स टाइम्स टू कर देना है बच्चों टू टाइम्स थ्री ट्वेंटी सिक्स ठीक है मतलब टू टाइम्स ये क्या हो गया डेल्टा एच नॉट ऑफ एटमाइजेशन हो गया अब बेटा इसकी आप वैल्यू निकाल लो <coughs> मैं साथ साथ करता जाता हूं बेटा आप लोग भी साथ साथ करें सर मुझे ना देखेंगे बेटा आप लोग करते जाएं साथ साथ ठीक तो, है तो थ्री ट्वेंटी सिक्स टाइम्स टू ये आ रहा है सिक्स अब बेटा जो दूसरा आ रहा है ना ऑक्सीजन को एज इट इज जाओ इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है अच्छा अब आगे चलो यहां पर देखो कि अब आपने बेटा इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने है ना एल्यूमिनियम से बेटा देखो वन बाय वन करने का फायदा नहीं है अब इस कर लो एलुमिनियम है एल्यूमिनियम से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया फिर आपने इस ए एल वन प्लस गैस से ए एल टू प्लस गैस एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया फिर ए तो एल टू प्लस गैस से ए एल थ्री प्लस गैस एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया बेटा आप इनको अगर इकट्ठा करके लिख दो ना तो इनकी एनर्जी सारी ऐड हो जाएंगी वन प्लस की क्या एनर्जी है मैं आपको चलें चले देख के बताता हूं बेटा यहाँ पर एल्यूमिनियम हाँ वन प्लस की एनर्जी थी फाइव सेवन सेवन वन एट टू जीरो और प्लस इनको इकट्ठा करके लिखो वन प्लस टू प्लस टू प्लस तो ये बनेगा ए एल गैस इट गिव एल थ्री प्लस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन इन तीनों वैल्यूज को बेटा मैं ऐड करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तीनों इलेक्ट्रॉन्स अगर मैंने निकालने हैं तो इन तीनों को ऐड ही करना है ना तो एक एक करके फायदा नहीं है इतनी स्पेस भी नहीं होती वहां पर फाइव सेवन सेवन प्लस वन एट टू जीरो प्लस टू फोर सेवन जीरो ये आपके पास आ रहा है बच्चों फोर एट सिक्स सेवन जूल्स पर मोल जरा सुनो बच, बच्चो एक मोल एल्यूमिनियम एक मोल एलुमिनियम से जब आप इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे और एक मोल एल्यूमिनियम आयन बनाओगे तो इतनी एनर्जी देनी होगी ये जो फोर एट सिक्स सेवन आया है ना बच्चों ये एक मोल एल्यूमिनियम से आपने तीन इलेक्ट्रॉन रिमूव किए ये बताओ अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को टाइम्स टू करूं टू मोल ऑफ एल्यूमिनियम गैस टू मोल ऑफ ए एल थ्री प्लस एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन तो ये वैल्यू टाइम्स टू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए भाई टाइम्स होना चाहिए ना क्योंकि दो मोल के लिए होगा तो टाइम्स टू हो जाएगा ये वैल्यू तो अब बेटा आप अगर इक्वेशन बोन एबर साइकिल में देखो तो आपने टू मोल ऑफ एल्यूमिनियम को टू मोल ऑफ एल थ्री प्लस में लेके जाना है दिस इज हाईली एंडोथर्मिक तो अब आपने एक मोल एल्युमिनियम के साथ तो काम नहीं कर रहे ना यू आर वर्किंग लिहाजा आपको क्या करना है बच्चों को निकालने के लिए आपने एनर्जी दी थी फ्रॉम वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम अब आप टू मोल एलुमिनियम के लिए काम कर रहे हो तो इस वैल्यू को टाइम्स टू करो फोर एट सिक्स सेवन टाइम्स टू ये yeah. आया सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन ऐसे ही आता रहेगा अभी ऑक्सीजन को नहीं छेड़ना तो फोर एट सिक्स सेवन टाइम्स टू बेटा यहाँ ये आप मेंशन कीजिएगा लाजमी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और इसको जब आप वो करोगे बच्चों फोर एट सिक्स सेवन टाइम्स टू तो ये आ जाएगा 9, 7, 3, किलो ठीक है अब अब एल्यूमियम इेडी एल्यूमिनियम गया ना अब आपने वर्किंग करनी है ऑक्सीजन के साथ ठीक है ना बच्चों अब आपने ऑक्सीजन के साथ वर्किंग करनी है अब देखो ऑक्सीजन को अगर आप गौर करो तो ये है जी थ्री ओ टू गैस और ये है थ्री ओ टू माइनस गैस फर्क क्या है एक तो आपको नजर आ रहा है कि आइन बन गया और टू माइनस दो इलेक्ट्रॉन गेन लेकिन वो ठीक है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करवाने से पहले क्या करना होगा इस मॉलिकुलर फॉर्म को ना ये ओ टू है इसको एटॉमिक फॉर्म में लेकर आना है भाई सिंगल गैशियस एटम की फॉर्म में ये देखो ये देखो ये दिस इज द एटमाइजेशन वन मोल ऑफ गैशियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट बेटा यहां पर ना ये जो पर मोल है ना ये इसको रेफर कर रहे हैं वन मोल ऑफ गैशियस एटम अगर एक मोल गैशियस एटम बनेगा ना तो टू फोर्टी नाइन किलो जूल एनर्जी अब मैं जरा इसको लिखता हूँ क्योंकि इसमें बच्चे बहुत तंग होते हैं देखो अगर एक मोल गैशियस एटम आप बना रहे हो फ्रॉम इट्स एलिमेंट या वन बाय होगा ना बेटा तो कितनी एनर्जी मैंने आपको कहा है टू एटमाइजेशन होगी प्लस टू फोर्टी नाइन किलो जूल्स पर मोल और आपको बता रहा हूं बार बार ये पर मोल इसको रेफर कर रहे बच्चों अगर मुझे दो मोल ऑक्सीजन चाहिए हो दो मोल तो अब ये वैल्यू के साथ क्या होगा जो एटमाइज़ेशन है ये अब देखो अब दो मोल है ना तो ये अब टू फोर्टी नाइन को बेसिकली आप देख सको मैंने इस इक्वेशन को टाइम्स टू किया तो वैल्यू होगी ना टू टाइम्स टू फोर्टी नाइन हो जाएगी ना अगर मुझे दो मोल गैस की सैटम बनानी है तो टू फोर्टी नाइन को टाइम्स टू करूंगा मैं और इसी तरीके से बच्चों मुझे अगर तीन मोल गैशियस एटम बनाने हैं तीन मोल तो ये जो बेटा आपके पास एटमाइजेशन की वैल्यू आ रही है 249 इसको मैं टाइम्स थ्री करूंगा टाइम्स थ्री ऐसे क्योंकि बेटा ये इसके मुकाबले में टाइम्स थ्री हुई है ना तो ये टाइम्स थ्री हो तो अब जरा नोट करो आप कि क्या हमारी जो बोन हाइवर साइकिल है इसमें हमें थ्री मोलियस एटम चाहिए या नहीं चाहिए ऑक्सीजन के जरा चेक करो बिल्कुल मोल चाहिए भाई ये यहां से पता चल रहा है आपको यहां से फिर वो तीन मोल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे ना तो लिहाजा बेटा यहां पर अब देखना अब एल्यूमिनियम के साथ वर्किंग खत्म हो गई है ठीक है ना अब ये एटमाइजेशन है आपकी इसके साथ अब एल्यूमिनियम को तो ऐसे लिखो 2Al3+ ए इलेक्ट्रॉन गैशियस फॉर्म अब बेटा ये ऑक्सीजन जो है ना ये आ रहा है 3O गैस बेटा इसको जरा गौर से देखना ये जो है ये ये आपकी मेन इक्वेशन है ना इस दफा दिस इज द इक्वेशन और ये आप देखो थ्री टाइम्स एटमाइजेशन हो रहा है और ये क्या आ रहा है मैंने आपको यहां बताया है टू फोर्टी नाइन टाइम्स थ्री टू लिख दिया मैंने थ्री लिखना था भाई थ्री फोर्टी नाइन थ्री टाइम्स टू फोर्टी नाइन थ्री टाइम्स टू फोर्टी नाइन इज इक्वल टू लिखते हैं बेटा थ्री टाइम्स टू फोर्टी नाइन सेवन फोर सेवन ये यार है प्लस सेवन फोर सेवन पर इतनी एनर्जी आप दोगे तो ये ऑक्सीजन मॉलिकुलर फॉर्म से गैशियस एटम में जाएगा ठीक है अब बेटा हम आते हैं अब थोड़ा सा ट्रिकी वाला है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको जरा ध्यान से समझो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होगा सुनो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं लेकिन पहले यहां देखो ये आपको बताया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना देखो बिफोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटमाइजेशन वो हमने कर ली जब आप पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो दिस इज एक्सोथर्मिक और इसके लिए जो एनर्जी है माइनस वन फोर्टी वन किलो जूल्स पर मोल ठीक है बेटा अब इसी के अंदर सॉरी इसी के अंदर बेटा एक मिनट इसको मैं जरा सीधे करके लिख दूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बट अब इसी ओ माइनस के अंदर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है अब आपको बताया था ना रीजन कि अब ओ माइनस नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है दोनों ने एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें रेडिली एंटर नहीं होगा तो यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू ओवरकम द रिपल्सिव फोर्स ठीक है तो यू हैव टू पुट इन एनर्जी बेटा अब आप एनर्जी दोगे इसलिए ये एंडोथर्मिक कंसीडर होगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आपकी बनेगी वो है भाई प्लस सेवन नाइन एट किलो जूल्स पर मोल अब बेटा देखो आप इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन कर लो क्योंकि बाय लिखने का फायदा नहीं है इतनी स्पेस कि ओ वन माइनस ओ वन माइनस से कैंसिल हो जाएगा राइट तो अब आपके पास बचेगा ओ गैस इसमें आप दो इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो ओ टू माइनस और इन दोनों वैल्यूज को भाई कैलकुलेट कर लो इन दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट करो सेवन नाइनटी एट ये हो जाएगा भाई आपके पास सेवन नाइन्टी एट माइनस सॉरी सेवन नाइन्टी एट माइनस वन फोर्टी वन रहा है बच्चों फर्स्ट फर्स्ट प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्वल टू प्लस सिक्स फिफ्टी सेवन ठीक है ये जो बच्चों प्लस सिक्स फिफ्टी सेवन आया है ना ये अब फर्स्ट और सेकेंड एफिनिटी को मिलाकर है लेकिन है टू करता हूं ना मतलब ये फोर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये टू ओ टू माइनस हो जाएगा तो इस वैल्यू को क्या करना चाहिए सिक्स फिफ्टी सेवन को क्या करूंगा मैं टाइम्स टू कर दूंगा ना कि दो मोल ऑक्सीजन है लेकिन बच्चों अगर मैं इतना करता हूं कि इस इक्वेशन को टाइम्स थ्री करता हूं थ्री ओ गैस मतलब इसको ना टाइम्स थ्री कर रहा हूं ऊपर वाली मेन इक्वेशन को सिक्स इलेक्ट्रॉन्स थ्री ओ टू माइनस गैस तो सिक्स फिफ्टी सेवन टाइम्स थ्री ये हो जाएगा भाई तो अब आप जरा चेक करो कि आपने जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करवानी है वो तीन मोल आइटम की करवानी है ना तीन मोल आइटम की करवानी है भाई तो इसलिए बच्चों अब और ये ओवरऑल क्या है है ओवरऑल एंडोथर्मिक ना ओवरऑल आपका रिएक्शन क्या हो रहा है एंडोथर्मिक है एंडो का भाई विद पॉजिटिव साइन तो मैं आपने अब ऊपर ही जाना है मैं अब एक एक काम करता हूँ बेटा इसको ना मैं थोड़ा रब करता हूँ यहाँ पर कोई मसला नहीं है आप भी इसको अभी ना कीजिएगा इससे इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने ऊपर की तरफ जाना है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा इस तरह यहाँ बनाता हूँ बस इसको टू एल थ्री प्लस कैश थ्री ओ टू माइनस कैश अब बेटा देखो अब ये जो ऑक्सीजन है ना ये इन छह इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और ये बनाएंगे या ये बना रहे हैं बेटा इसमें क्या हो रहा है देखो फर्स्ट प्लस सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेकिन कितने मोल तीन मोल के साथ काम हो रहे हैं एक तो आपने मैंने इसलिए बेटा इसको स्टेप स्टेप बाय किया एक तो आपने फर्स्ट और तो सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक को ऐड किया वो तो हो गया फिर आपने मोल्स को कंसीडर किया भाई कि आ, ये तो एक मोल के लिए है ना 657 आप तीन मोल के साथ काम कर रहे हैं टाइम्स थ्री तो 657 टाइम्स थ्री 657 टाइम्स थ्री अब बेटा आपकी ये बोन हाइबर साइकिल होगी क्वेश्चन तो पूछ ले भाई आप लोग तो बिल्कुल आराम से बैठे हुए क्वेश्चन कहीं पूछ ले अगर है वरना मैं आगे चलता हूँ उसको बेटा लैटी जरा शाबाश बेटा लैटी संतालो निकाल लो निकाल क्या लो स्टूडेंट्स आप लोग क्यों नहीं बोल रहे भाई मैंने म्यूट तो नहीं किया बाकी मैंने अनम्यूट तो किया था आप लोगों को भाई बेटा आप लोग देखें अनम्यूट कर सकते हैं ना अपने आप को स्टूडेंट्स बेटा रिस्पॉन्ड तो करें भाई yes, शुक्र अभी अच्छा अब बेटा आप लोग जरा लैट्री निकाले मैंने आपको क्या बताया था कैसे आपने यहाँ पर एलिमेंट्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं एलिमेंट्स दीज आर दिलीमेंट एलिमेंट्स को मैं येलो कलर से मार्क कर रहा हूँ भाई ये आपके एलिमेंट्स हैं दिस इज द तो स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से बेटा ये आपने जाना है इधर दिस इज रूट नंबर वन और दूसरा रूट ये एल्यूमिनम ऑक्साइड बनाने का आप आयोनाइेशन आप एटमाइजेशन फिर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर आप लैटिस इंथाली और रूट नंबर टू ये है तो एनर्जी चेंज इन रूट वन इज इक्वल टू तो एनर्जी चेंज इन सेकेंड रूट अपने इन को बस आप कैलकुलेट कर लो एनर्जी चेंज इन रूट वन चलिए यहां लिख देता हूं एनर्जी चेंज इन रूट वन इज इक्वल टू एनर्जी चेंज इन रूट टू मेरा रूट वन में तो एक ही आ रही है भाई एनर्जी चेंज और वो क्या है वन सिक्स सेवन सिक्स माइनस के साथ है माइनस वन सिक्स सेवन सिक्स इज इक्वल टूप सेकेंड रूट में क्या वैल्यूज आ रही है बेटा वो काफी सारी है सिक्स फिफ्टी टू है दूसरी वैल्यू क्या आ रही है बेटा नाइन सेवन थ्री फोर और क्या आ रही है बेटा इसके बाद सेवन फोर सेवन अच्छा और क्या आ रही है जिसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं सिक्स फिफ्टी सेवन टाइम्स थ्री सिक्स फिफ्टी सेवन टाइम्स थ्री वन नाइन सेवन वन One, nine, seven, one, plus lattice enthalpy भाई बस यहां से सेटिस निकाल लो सारी उधर ले जाओ और आपको पता है माइनस वन सिक्स सेवन सिक्स माइनस सिक्स फिफ्टी टू माइनस नाइन सेवन थ्री फोर और माइनस सेवन फोर सेवन

भी आनी चाहिए आपको बेटा हेडिंग दो कैलकुलेट दी इन थे ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बाय है क्या फाइंड आउट करना है आपने आपने फाइंड आउट करना है लैटिस इंथेलपी तो उसकी मेन इक्वेशन बना लो Al2O3 एल टू ओ थ्री सॉलिड टू मोल्स ऑफ ए एल थ्री प्लस कैस थ्री और टू माइनस कैस ठीक है okay. ना okay. बेटा ये आपकी मेन इक्वेशन बन गई लेटिस फाइंड आउट करनी है एलिमेंट्स बेटा नीचे लिख लो एलिमेंट्स देखो एल्यूमिनियम सॉलिड ऑक्सीजन गैस ये कौन सी अच्छा जो है साइकिल है उसमें तो इसका ख्याल नहीं रखा जाता ना कि एक्सुआ है तो ये डाउनवर्ड आएगा तो अपवर्ड उसमें तो ख्याल नहीं रखा जाता उसमें बस आपने देखना कि पीछे कौन सी इंथाल दिस इज फॉर्मेशन वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट और फॉर्मेशन के लिए बच्चों मैंने जो आपको वैल्यू बताई थी वो क्या थी माइनस वन सिक्स सेवन सिक्स ये माइनस वन सिक्स सेवन सिक्स अब यहां पर थोड़ा सा बेटा काम ज्यादा होगा यहां पर आपको एल्यूमिनियम सॉलिड को ना एल्यूमिनियम गैशियस आइन में लेके जाना यहां पर अक, अकथा भी अकथा भी कर लेते हैं बेटा दोनों की बेटा एटमाइजेशन कर दो एल्यूमिनियम की भी एटमाइजेशन होगी ऑक्सीजन की भी एटमाइजेशन होगी टू इंटू एटमाइेशन यहां क्या होगा थ्री इंटू एटमाइजेशन क्योंकि दो मॉल कैसी तीन मोल बन रहे हैं, हैं। फिर बेटा ये करो कि बस अब तो सिंपल है यहां पर बेटा ये आपका फर्स्ट प्लस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर टू मॉल टू मॉल के लिए होगा है ना और यहां पर बेटा आपके पास फर्स्ट प्लस सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितने मोल्स के लिए होगा थ्री मोल्स के लिए होगा तो ये काम कर देते हैं अभी वैल्यूज लिखी थी भाई इसकी यहीं से उठा के लिख देते हैं ना फर्स्ट और सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड इज एटमाइजिशन ये बेटा मैं तो मार्क कर रहा हूं देखना दिस वन फर्स्ट सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर टू मोल्स, नाइन सेवन थ्री फोर फिर देखो ये एटमाइजेशन होगी थी ना ऑक्सीजन की आपने इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफिनिटी करनी है भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और तीन मोल के लिए करनी है और फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके करनी है ये सारा आपको समझा चुका हूं क्या था भाई ये देखो यहां पर बच्चों ये वाला ये फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हुई है ऑक्सीजन की और तीन मोल के लिए हुई है सिक्स फिफ्टी सेवन टाइम्स थ्री किया था टाइम्स इसका आंसर क्या है, है, है वन नाइन सेवन बन आया था देख लेते हैं वन नाइन सेवन तो ये बेटा आपका आ रहा है ये आपका आ रहा है वन तो बस बेटा ये आपके देखो ये ये और अच्छा ये रहता है ना टू मोल्स ऑफ एटमाइजेशन इसकी बेटा वैल्यू लिखनी है और ऑक्सीजन की तो एटमाइजेशन की क्या वैल्यू आ रही थी बेटा ये देखो टू मोल ऑफ एटम सिक्स फिफ्टी टू सिक्स फिफ्टी टू एल्यूमिनियम के एटमाइजेशन की वैल्यू है ठीक है और ऑक्सीजन के जो तीन मोल एटम्स बने हैं उसकी क्या वैल्यू थी बच्चों वो भी आप यहीं से चेक कर लो सेवन फोर सेवन उम्मीद है ये समझ आना चाहिए जो मैं भी बात कर रहा हूं सेवन फोर सेवन भाई ये ठीक है अब बेटा इस देखो वही है रूट वही है स्टार्टिंग ये होगा देखो दिस इज दिस इज फाइनल एक रूटबेट आपका बनेगा ये वाला देखो एक रूट होगा आपका दिस वन इसमें ये वैल्यू आ रही है दूसरा रूटबेट आपका ये होगा दूसरा रूट ये होगा यहां से इधर इसमें यह वैल्यूज आ रही है सिक्स फिफ्टी टू सेवन फोर सेवन दिस वन दिस वन एंड दिस वन उसको लिख लो भाई वही चीज बनेगी देखना सिक्स फिफ्टी टू प्लस सेवन फोर सेवन प्लस नाइन सेवन थ्री फोर प्लस वन नाइन सेवन वन प्लस लेट इज इंथाल पी इज इक्वल टू माइनस वन सिक्स सेवन सिक्स बेटा वही आएगा ना बताओ स्टूडेंट्स जी सर अच्छा अब मैं आपको एक और स्टाइल भी बताता हूँ इसका ताकि आप लोग परेशान ना हो जाए ना भाई एक और स्टाइल भी है अगर आप लोग इसको तरह कर करें मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को ऐड नहीं करते मतलब आप इकट्ठा नहीं लिखना चाहते फिर कैसे लिखेंगे भाई वो आपको दिखा देता हूँ ठीक है ताकि हमारा आज ना बस बोन साइकिल खत्म हो कल हम इनशा इसके जो डेल्टा इज नॉट ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रेशन इस तरह के क्वेश्चन पर आ जाए आपने बेटा बोन बोनर साइकिल ड्रा करनी है फॉर मैं आपको भी इसके पास पे प्रेजेंट कर दूंगा सोडियम ऑक्साइड की एन ये इंटरेस्टिंग है एन इसमें दो मोल सोडियम है अच्छा मैं आपको मैग्नीशियम का ड्रा करना बचा रहा था ना ये बेटा आप लोग भी ड्रॉ करें वैल्यूज का मसला है वैल्यूज बाद में डाल दीजिएगा भाई ड्रॉ तो करें ना ऑक्साइड का और अगर ड्रॉ किया हुआ तो चेक कर ऐड तो नहीं करूंगा ठीक है हर एक को अलग-अलग करूंगा ताकि आपको वो भी आपके माइंड में हो सबसे तो पहला काम कि यहां पर आपने लिखना है एम जी ओ सॉलिड दूसरा काम बच्चों आपको बताइए आयोनिक सॉलिड दो रूट से बनेगा फ्रॉम इट्स एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे बच्चों यहाँ पर और दूसरा रूट बेटा ये है कि आप इसको बनाओगे फ्रॉम इट्स गैशियस आइंस एम जी टू प्लस और ओ टू माइनस गैशियस आइन से और यहाँ पर ये आपकी आगे इंथाल्पी दिस इज डेल्टा इज नॉट ऑफ फॉर्मेशन लाजमी नहीं है लेटिस इंथाल्पी ही हमेशा पूछेगा कुछ भी पूछ सकता है भाई समटाइम सिर्फ लेबलिंग कहता है कहता है लेबल करो ठीक है ना बेटा तो ये फॉर्मेशन कितना है माइनस सिक्स जीरो अब बेटा आपका थिंकिंग प्रोसेस वही जो आपको बताया है कि मैग्नीशियम सॉलिड है ना इसको आपने मैग्नीशियम गैशियस आयन में कन्वर्ट करना है तो जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पहले एटमाइजेशन होगी ना भाई तो पहले एटमाइजेशन करो एटमाइजेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक तो अपवर्ड एरो जाएगा क्यों एंडोथर्मिक होता है बेटा इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम सॉलिड के अंदर आपने मेटालिक बॉन्ड्स ब्रेक करने हैं तब वो गैस के सेटम में जाएगा तो ये मैग्नीशियम गैस और ऑक्सीजन को एज इट इज रहने दो और इसके अंदर बेटा जो डेल्टा इज नॉट ऑफ एटमाइजेशन की वैल्यू आएगी वो होगी जी आपके पास प्लस वन फाइव जीरो किलोजूल्स पर मोल अच्छा अब क्या होगा बेटा अब आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है मैग्नीशियम से एम जी वन प्लस गैस प्लस वन इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ओ टू तो बेटा ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी वैल्यू है 736. अब बेटा आप इसमें से सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे एम जी वन प्लस से एम जी टू प्लस में चला जाएगा और पहले से एक इलेक्ट्रॉन था एक नया आ गया दो इलेक्ट्रॉन लिखोगे हाफ ओ टू गैस ये बेटा आपके पास आएगा सेकेंड आयोनाइेशन एनर्जी और बेटा इसकी वैल्यू है प्लस वन फोर फाइव जीरो मैग्नीशियम तो बन गया ना अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है सॉरी अब एटम ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा लेकिन भाई इसके पहले एटमाइजेशन तो कराओ एटमाइजेशन होगी ऑक्सीजन की ओर की फॉर्म में ना मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता वो तो स्टेबल है

वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन इज दाफ दी वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू करेंट इज दाइजेशन जो अब आपके पास आएगा, प्लस 248. तो आएगा प्लस 248. अब क्या होगा भाई ये जो ऑक्सीजन है ना अब ये एक ऑक्सीजन दो में से पहले एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भाई फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इफिनिटी क्या होती है एक्सोथर्मी है ना ना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सोथर्मिक तो इसलिए ये डाउनवर्ड एरो आ रहा है रहा है तो plus, रह है भाई डाउनवर्ड और ये कितनी एनर्जी रिलीज कर माइनस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट आए हो अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी जो होगी ना बेटा वो ये होगा कि ये O one minus, इस एक इलेक्ट्रॉन को भी गेन करके ये बना देगा ओ टू माइनस और आपको पता है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंडोथर्मिक तो इसके लिए अपवर्ड एरो प्लस एट फोर्टी फोर ये है भाई तो इस तरह का स्टाइल भी पूछता है वो बड़े कल ये बताओ कल आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास पेपर की क्लास ली थी या नहीं ली थी अगर नहीं ली थी रिकॉर्डिंग सुनी थी या नहीं सुनी थी रिकॉर्डिंग भाई आप लोग तो बोलते नहीं है भाई बड़ा मसला है आप लोगों के साथ नहीं क्लास नहीं लेना अच्छा। कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पास पेपर हुआ था आप लोगों ने जो टेस्ट दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट दिया था ना बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का या वो भी नहीं दिया जी सर बोलो तो उस टेस्ट को मैंने आपसे डिस्कस करना था ना तो उस टेस्ट को मैंने कल आपसे पास पेपर के क्विज कल मैं उसी टेस्ट को डिस्कस कर रहा था तो आप लोगों ने वो क्लास अटेंड की थी जिसके मैंने लिंक सेंड किया थोड़ा पहले सेंड कर दिया था लिंक क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी थी जी सर ज्वाइन किया था। तो ये बताओ कि वो कितने उसमें बेटा मार्क्स कितने-कितने मार्क्स आए हैं उसमें आप लोगों के ठीक हुआ था वो टेस्ट या नहीं